का चुनाव था, ये तो नेशनल सत्र का चुनाव था, ये प्रदेश स्तर का नहीं। इस चुनाव के मुद्दे जो थे वो बहुत अलग तरह के थे। सबसे बड़ा कांग्रेस का और इंडिया का एक प्रचार था कि अगर ये 400 पार कर गए तो ये संविधान बदल देगा, ये रिजर्वेशन खत्म कर देगा। लोगों का भी एक फैसला था कि हमने इंडिया को सत्ता में लेकर के आना है, एनडीए को सत्ता से पार कर। विधानसभा के चुनाव में लोगों ने 10 साल कांग्रेस का राज भुगता है और 10 साल बीजेपी का राज को हो गए, इससे परेशान। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। 2014 के अंदर, 2009 के अंदर कांग्रेस की 40 सीटें आई थी, उससे पहले कांग्रेस बहुमत में थी, 10 की 10 लोकसभा जीती थी, हमारी 9 ही सीटें थी। लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी अब राजनीतिक तौर पे कमजोर है, हम 32 सीट 33 सीट जीत करके आए थे, कांग्रेस 40 पे थी, कांग्रेस ने तो 6 उस वक्त के इस कुलदीप की पार्टी के जो हजका के लोग थे उनको शामिल करके सरकार बनाई थी, लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया था 2009 में कांग्रेस। अब की बार फिर उसी तरह के हालात होंगे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर के आएगी। पानी को लेकर आकर मचा हुआ है, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी नेता अच्छी सी वो लगातार कह रहे हैं दिल्ली को पानी नहीं देना चाहिए। अगर SIL का पानी पंजाब की सरकार हमें नहीं दे रही, आप पार्टी, तो हमें दिल्ली को पानी नहीं देना चाहिए, दिल्ली का पानी बंद कर देना चाहिए। जब तक SIL का पानी नहीं मिले दिल्ली को एक बूंद पानी नहीं।